आज मैंने कौन सा साग बनाए बहुत ही स्पेशल, और हमारे घर में मुझे मिलने कौन आए, केदारनाथ से क्या लेके आए, और हमने मैंगो किसके साथ खाए, नमक मिर्च लगा के, और इवनिंग वॉक पे हम क्यों नहीं गए, सब कुछ बताती हूँ वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना और देख के कैसा लगा वो भी बताते रहना। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं वीडियो की और देखते रहना। ओके, बहुत लोग है जो इस रेसिपी को बनाना नहीं जानते, खाना भी नहीं जानते, और उससे भी ज़्यादा इसको कैसे साफ करके कैसे इसको काटते वो भी नहीं जानते। तो उसी का ही वीडियो मैं आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है कद्दू का पत्ता, और इसको कैसे साफ करूँगी उसको ही आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और ये जो बास्केट है ये मुझे जाह्नवी ने दे के गई है, जाह्नवी आसाम से ले गए एकदम से। और नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग, ज़रूर अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी बस गए हैं 12, और मैं अभी कर रही हूँ कद्दू का पत्ता साफ। और ये जो कद्दू का पत्ते बहुत लोग खाते नहीं है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसको कैसे साफ करते हैं, कैसे खाते हैं। इसका रेसिपी मैंने पहले ब्लॉग में डाली हूँ, और आज मैं सोच रही थी रेसिपी नहीं डालूंगी, इसको कैसे साफ करते हैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत लोगों को आते नहीं इसको कैसे साफ करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने चाहती हूँ हम कद्दू के पत्ते को कैसे साफ करते हैं। मैंने तो आधा साफ कर ही लिया, साफ करते करते याद आया क्यों ना मैं आप लोगों को शेयर ही कर दूँ इसको हम कैसे साफ करते हैं। तो देखिए ये जो कद्दू का लीफ है, पम्पकिन लीफ, ठीक है, यस ये है पम्पकिन लीफ। और इसका जो स्टेम है इसकी में ये देखिए, इसको ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे निकाल के जाना है, बस ऐसे निकालना है, फिर इसको ऐसे बीच में तोड़ देना है, इसका रोक दीजिए, रख दीजिए, फिर इसको ऐसे साफ करते जाइए, ऐसे ही इसको हम साफ करते हैं। और जैसे ही ये साफ हो जाएगा लिप के बारे आ गया, लिप में ये जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें आप जैसे साफो हो किसी से, आप ऐसे करके इसका ये जो है इसको निकालना है, ये आगे का भी निकालिए, पीछे का भी निकालिए, फिर इसको आप पानी में भिगो के रखिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है जितना भी लिप ही वेजिटेबल होता है बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ रहता है, तो काटने से पहले इसको पानी में भिगो कर रखना है, फिर इसमें जितना भी डस लगा हुआ है नरम हो जाएगा और हट जाएगा। अच्छी तरह धोने के बाद इसको काटना है, काट के नहीं धोना है, अगर काट के धोओगे तो इसका जितना भी न्यूट्रिशन है सब निकल जाएगा, इसीलिए जितना भी लीवी वेजिटेबल होता है ना सब ऐसा ही करना ज़रूरी होता है, मतलब काटने से पहले धोना नहीं है, धोने के बाद काटना है। मैंने साफ कर रही हूँ, इसको मैं पूरा साफ कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी। और इसका रेसिपी, इस साग साग का सब्जी जिन लोगों ने नहीं खाया प्लीज़ एक बार खा कर देखना और कमेंट करके बताना, इतना टेस्टी होता है, टेस्टी से ज़्यादा ये ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। आप जैसे नॉर्मली आप जैसे पालक का सब्जी बनाते हो, मूली का सब्जी बना, मूली का पत्ते की सब्जी बनाते हो, सरसों का सब्जी जैसे बनाते हो, ऐसे सेम है प्रोसेस है। और साग सब्जी में जितना भी साग होता है उसमें हल्दी नहीं डालते सिर्फ, है ना, मसाला भी बहुत कम डालते हैं, हम तो बहुत कम डालते हैं मसाला तो डालते ही नहीं है, हल्दी भी डालते नहीं है, हम डालते सिर्फ अदरक लहसुन हरा मिर्च ऐसे। इसका भी साफ कर लिया है, और कौन कौन खाते हो इसका रेसिपी पक्का बताना, ठीक है। और मैं हर रोज़ सोचती हूँ मैं रेसिपी का ब्लॉग डालूंगी, लेकिन क्या है मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल का स्टैंड नहीं है, तो मोबाइल अभी कहाँ पे रखी हूँ कमेंट करके बताना, ठीक है, किस किस का आइडिया है बताना मैं अभी मोबाइल कहाँ पे रखी हूँ। तो चलती हो इसको बनाती हो, हस्बैंड जी आएगा 1:30 बजे, इससे पहले मुझे खाना रेडी करके रखना है। तो अभी बज चुके हैं 12, और ये साफ कर साफ करने के लिए बहुत टाइम लगता है, है ना, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ये साफ करने में, बहुत मज़ा आता है, ये जो ऐसे निकल के जाते हैं ना इतना मज़ा आता है ना, ये देखो पाइप हो गया,
साग आधा साग करते करते याद आया टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12:30 हो गए। अभी मैं इसको पूरा साफ नहीं किया और इधर मैंने इधर चावल बिछा दिया, इधर दाल भी बिछा दिया। जब तक चावल दाल पकेगा तब तक मेरा साग भी साफ करना हो जाएगा। अगर एक ही काम में लगे रहेंगे तो बाकी काम पूरा नहीं होगा, तो ये तो अपने आप होते रहेगा। अभी चलती हूँ साग साफ करने, बहुत टाइम लगता है बोला ना। अभी जो दाल का साग है उसको मैं फेंकने के बाद ये ढक्कन लगाती हूँ, इसमें सिर्फ नमक डाला है, बाद में तड़का लगाऊंगी। और ये चावल ये भी उबलने ही वाला है। पामकिन के पत्ते साफ करना हो गया है। अभी मैं इसको पानी में भिगो के रखूंगी 10-15 मिनट एक बड़ा सा बर्तन में। उसके बाद इसको अच्छी तरह धोएंगे और धोने के बाद कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको मैं बनाएंगे। और इसका बनाने के लिए, इसको स्पेशली बनाने के लिए इतना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होते हैं, अदरक लहसुन हरा मिर्च यही सही। और आपको अगर इसमें ऐड करना है आप मूँगफली ऐड कर सकते हो, चने ऐड कर सकते हो। और मैं आज कुछ भी ऐड नहीं किया, आलू भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसका ही बनाई। और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद इसको मैं तड़का लगा दूँगी। और ये दाल बन रहा है, तो जैसे कि इसका पानी सूख जाएगा तो भी मैं यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज ये सब डालूंगी। आप पहले भी डाल सकते हो, मैंने आज थोड़ा उल्टा प्रोसेस किया। ये देखिए एक मिर्ची दिया, ज़्यादा मिर्ची नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा मिर्च अभी गर्मी का सीज़न है ना, गर्म लगता है ज़्यादा, तो अदरक लहसुन सब यहाँ पर डालूंगी। दिन का खाना पीना हो गया, अभी फ़ोन आया मेरे सहेली आ रहे मेरे घर में, बोला तू नीचे आ जाओ। तो अभी मैं नीचे जाने के लिए जैसे थी ऐसे ही आ गए, कंगे पहन के, इमरजेंसी कोई बुलाते हैं ना तो ऐसे आना होता है। अभी सल्टी होने से लिफ्ट भी आ गया है, हवा भी आ गया है, हवा से अपने वजह दरवाजा बंद हो गया। अभी चलती हूँ कौन है जब वीडियो देखोगे पता चलेगा। कैसे है हमारे लिए ठीक है, नागिन नहीं है। सुंदर मौसम है, वो सोच रही है उसको मैं वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मैं अगले अगले वीडियो बना के आ रही हूँ नीचे। और ऐसे हालत में इस ड्रेस में मैं कभी नीचे नहीं आई, आ रही है ओह है आ गई न बनी तो परम सुंदरी पार्वती बन गए, केदारनाथ घूम के आ गई है केदारनाथ। ये देखो आइए आ जाओ, हम केदारनाथ नहीं गए क्या हुआ, केदारनाथ के प्रसाद हमारे हाथ में है। ये नवनीता गई थी केदारनाथ, अभी ये लाए है हमारे लिए प्रसाद। थैंक यू सो मच। कभी कभी बच्चों को देख के मेरे बचपन याद आ जाते हैं, देखो ये दोनों मिल गए और खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों बीच में बहुत लड़ते भी है और फिर ठीक भी हो जाते 2 मिनट में, तो बचपन होते ही ऐसे है ना। मुझे बहुत याद आते हैं बचपन में हम भी खेलते थे ऐसे, मेरे तो बहुत सारा सहेली थी बचपन में, हमारे जैसा कोई नहीं खेला होगा, हम जैसे खेलते थे। क्या कर रही हो टुनटुन, ये कौन है आपका, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, दिव्यांशी बोला हाँ। फ्रूट वगैरह अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, नवनीता आई तो मैं मेघा और आदि के मम्मी को भी बुला ले। और कोडर कोडर ये इसको हम लोग बोल रहे मैंगो, और मैंगो खाने के लिए मेरे साथ दे रही है। अभी और लोग सच सबर रहे हैं, बाल को ठीक कर रहे हैं। ये देखिए सुंदरी, और ये इसका आँख देखो आँख, और है नवनीता, नवनीता हमको भगा रही है। और नमक मिर्च लगा के किसको खाना है, नमक लगा के आपको नहीं खाना है टुनटुन, ठीक है हम भी खाते हैं वो। हाँ ये देखे मिर्च, और ये हूँ मैं ठीक है, और लक्ष्मी ये टुनटुन, और ये नवनीता, और जो हाथ निकल रही है ना गलत मत करना, ये हमारा नागिन है, और ये मोबाइल मांग रहा है, ले लो ले लो इसकी हुआ कि नहीं। आ जाओ सुंदरी, आ जाओ, अच्छा पूरा रेडी होके रखी है, चलो अभी मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है, हम लोग वॉकिंग पे नहीं जा रहे, रनिंग पे जा रहे ये। और इसका मूव देखो, ये वॉकिंग नहीं कर सकते, रनिंग कर सकती है नहीं, मैं भी कर सकती हूँ।
अच्छा ऐसा बात है, चलो हाँ मोबाइल ले जाऊंगी ना, रील बनाना है, हाँ रील बनाना है, वीडियो बनाना, हाँ चलो उधर से क्या आते हैं आपको है? क्या क्या आते हैं आपको? आता है दूसरों को परेशान करना, किसी का फोन नहीं उठाना, और जैसे इससे सीखी हूँ ना मैं। हाँ मैं भी इस, ये भी किसी से सीखी है, ठीक है, फोन जब फोन करे फोन नहीं उठाना, ये भी किसी से सीखी है। देखो इस प्राणी को हमको मत देखो, प्राणी नहीं है, औरत है, ये औरत है, ठीक है, प्राणी नहीं। गाड़ी आ रहा है, आने दो आप ये दिखा, हाँ हाँ आप लोगों को एक्सिस दिखाते हो, अभी दिखाते हो, अभी दिखाते हो, देखना देखना देखना, ये देखे कितना सुंदर फूल है, ओ माय गॉड, पिंकी पिंकी पिंकी, और वो कौन है, ये कौन सुंदरी है, ये कौन है, ये कौन है, ये भगवान गुलू गुलू हो गया आगे आगे, वाह, और ये दिखे ना इतना सुंदर फूल है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इससे देखो ये फूल कितना सुंदरी है, ये फूल है, हाँ, ये दीदी है, अच्छा ये लक्ष्मी है, है। हम लोग वॉकिंग नहीं करेंगे, हम लोग रनिंग करेंगे, तो एक महीने वॉकिंग के बाद हमारा पेट देखो पूरा जीरो फिगर हो गया, जाने वाले हाँ। अच्छा चलो अभी इन लोगों को मैं ऐसे भगाऊंगी, ऐसे भगाऊंगी जैसे पीछे कुत्ता दौड़ाते हैं ना, ऐसे दौड़ो, मैं कुत्ता बनूंगी, ये लोग कुत्ती बनेगी जब हम लोग, हाँ तो कौन किसके पीछे भागेगा, अभी वो सबसे दो कुत्ता एक कुत्ते के, अच्छा लड़का है, कब से दो राउंड हो गए उसके, इतनी बड़ी बड़ी औरतें दौड़ नहीं सकती, अच्छा अभी दौड़े नहीं, हम दौड़ेंगे आप लोगों को, चलो।